यहाँ पे बात जानते हैं कि शिनचैन कार्टून एक असली के इंसान पर आधारित है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये लड़का शिनचैन है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको शिनचैन की असलियत से रूबरू कराऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शिनचैन की कहानी आपकी आंखों में ना रुकने वाले आंसू ले आएगी, क्योंकि शिनचैन की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। जी हाँ, काफी शॉकिंग सी बात लग रही होगी, क्योंकि जब मुझे भी ये बात पता चली तो मैं भी काफी शॉक्ड हो गया था। लेकिन क्या इसी दर्द भरी कहानी के चलते इसके बनाने वालों ने आज तक शिनचैन के आखिरी एपिसोड में उसकी मौत कैसे हुई इसका जिक्र नहीं किया? और आज हम बात करने जा रहे हैं शिनचैन के इसी रहस्य के बारे में। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का टॉपिक, जो है हाउ शिनचैन एक्चुअली डाइड। वेल, ऐसा कहते हैं कि अपने बच्चों को खोने का दर्द जितना एक माँ को होता है, शायद ही उतना दर्द इस धरती पर किसी और को होता है। और कुछ ऐसे ही दर्द से गुजरना पड़ा था मिसाई नोहारा को, जब उन्होंने अपने बच्चे शिनचैन को खो दिया, क्योंकि उस माँ ने अपने बच्चों के लिए दिन रात जो सपने सजाए थे वो चूर चूर हो गए, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। और अपने इसी टूटे सपने को फिर से जीने के लिए उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी स्केच बनाने की, जिसमें उन्होंने एक एक करके अपनी जिंदगी के बीते हुए हर एक खूबसूरत लम्हे को जीना शुरू कर दिया, जिसमें मिसाई ने सबसे पहले उस इंसान को ढाला जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों की शुरुआत की थी, जिसके आने से उनकी जिंदगी ने एक प्यारा सा मोड़ ले लिया था। और अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि खुद शिनचैन के पिता हिरोशी नोहारा थे। वो एक पति होने के साथ ही साथ एक जिम्मेदार पिता भी थे। अगर हम उनकी पिछली जिंदगी में नजर डालें तो हिरोशी नोहारा का बचपन जापान के अकीता में बीता था, जहाँ वो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश में कासुकाबे पहुंचे थे। और ये शहर हिरोशी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि यही उनकी मुलाकात हुई अपनी वाइफ यानी कि मिसाई नोहारा से। और जैसा कि हमने शिनचैन कार्टून में देखा है कि शिनचैन की ही तरह शिनचैन के फादर भी एक फ्लर्टी शख्स थे, और मिसाई को उनसे मिलने के बाद जैसा महसूस हुआ वैसा किसी और से मिलकर कभी भी महसूस नहीं हुआ था। और तभी से ये दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। और मिसाई के पिता का नाम था योशीजी कोयामा, और अगर हम उनके नेचर पर नजर डालें तो शिनचैन कार्टून की तरह ही मिसाई काफी केयरिंग और लविंग थी। साथ ही साथ उन्हें शॉपिंग करने का भी काफी ज्यादा शौक था। हालांकि शॉपिंग करने के साथ ही पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना ये भी वो बखूबी जानती थी। लेकिन अगर वो कुछ नहीं जानती थी तो वो ये था कि वो किसी भी चीज को डेडिकेटेड तरीके से नहीं कर पाती थी, जो कि हमने शिनचैन के कार्टून में भी देखा है। जैसे कि उनके एक दिन का डाइट प्लान होता है और दूसरे ही दिन उनका प्लान चेंज हो जाता है। लेकिन जब इनकी मुलाकात हिरोशी से हुई तब इनकी जिंदगी की सुई हिरोशी पर ही अटक गई, और ये कभी भी उनके डाइट प्लान की तरह नहीं बदले, जिसके बाद उन दोनों ने साथ में ही पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। हालांकि बढ़ते हुए समय के साथ इन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा, जिसे पार करते करते दोनों ही जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते चले गए। और इसी के साथ दोनों की जिंदगी में एक ऐसा नन्ना मुन्ना मेहमान आया जिसने उन दोनों की जिंदगी को खुशियों से ही भर दिया, और ये नन्हा मुन्हा मेहमान था हमारा प्यारा शिनचैन, जिसको पाकर हिरोशी और मिसाई की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जिसके चलते अपने माँ बाप के प्यार के साथ शिनचैन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इनके परिवार में सब कुछ होने के बावजूद हिरोशी के सुबह काम पर जाने और मिसाई के काम में बिजी रहने की वजह से शिनचैन को एक अकेलापन महसूस होने लगा था। लेकिन शिनचैन को कहां पता था कि जल्द ही उसे एक खास दोस्त मिलने वाला था, जो उसकी जिंदगी और ज्यादा रोमांचक बनाने वाला था। नहीं नहीं, ये तो कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं शिनचैन के पेट शीरो की, जो कि शिनचैन को एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला,
और उसके जिद के कारण हिरोशी और मिसाई भी शीरो डॉग को घर में रखने के लिए मान गए, जिसके बाद शीरो नुहारा फैमिली का हिस्सा बन गया, जिन्हें शब्दों की कोई भी जरूरत नहीं थी। बिना कुछ कहे ही शिनचैन और शीरो एक दूसरे को समझ जाते थे, पर दोस्त होने के साथ ही जब मिसाई घर पर नहीं होती थी तब शीरो शिनचैन का भी ख्याल रखता था और फिर नुहारा परिवार का कभी ना जुदा होने वाला सदस्य बन गया। पर शिनचैन के पास सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि उनके दोस्त कासुकाबे गैंग भी थी, जिसमें उसके दोस्त शिनचैन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं, इतना भी नहीं ही। और शिनचैन की दोस्तों की लिस्ट में सबसे पहले है कजामा तोरू, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा था और इंटेलिजेंट और मैच्योर भी था। और दूसरी थी नैनी साकुरादा, जिसे घर घर खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसमें उसको माँ का रोल लेकर उन सभी को डांटने में बहुत ही मजा आता था। लेकिन इनके अलावा इस लिस्ट में मसाओ सातो और बोसोजुकी का नाम भी शामिल था, जो उसके काफी अच्छे दोस्तों में से थे। और हमारे शिनचैन को उसको सारे ही खासम खास दोस्त कासुकाबे किंडरगार्टन स्कूल में ही मिले थे, जहां शिनचैन और इसके बाकी दोस्त काफी मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन इन सब के होते हुए भी शिनचैन को कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस होता था। नहीं नहीं, अभी इस चीज के लिए नहीं होता था, वो अलग चीज है ही, जो कि उस दिन मिट गया जिस दिन उसे पता चला कि बहुत ही जल्द उसके घर में उसका एक छोटा भाई या छोटी बहन आने वाले हैं, क्योंकि शिनचैन को अपने आने वाले भाई या बहन के बारे में पता चलने के बाद उसे बहुत ही खुशी मिली थी। और उसी वक्त से शिनचैन अपनी मॉम को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था, जैसा कि हमें शिनचैन कार्टून में दिखाया भी गया है, वैसे ही शिनचैन अपनी असली जिंदगी में भी खुश हुआ था। उसकी मॉम जहां भी जाती वो उनके साथ जाता था। और फिर वो दिन आ ही गया जब शिनचैन की बहन हिमावारी इस दुनिया में आई, जिसके आने से शिनचैन बहुत ही खुश हुआ। और इसी खुशी की वजह से वो धीरे धीरे अपने अकेलेपन को भूल गया। और जैसे जैसे हिमावारी बड़ी हुई, शिनचैन और हिमावारी के बीच में बहुत ही प्यारा बॉन्ड बनता चला गया। अब शिनचैन खुद बहुत ही ज्यादा शरारत करता हो, हाँ ऐसी शरारतें तो करता ही था ही, पर शिनचैन अपनी बहन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। और हिमावारी भी भले ही नहीं चल पाती थी, लेकिन जब भी वो शिनचैन को देखती थी वो रेंगते हुए शिनचैन के पास पहुंच जाती थी। लेकिन शायद नुहारा फैमिली की खुशियों के दिन यहीं तक सीमित थे, क्योंकि अब एक ऐसा समय आने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शिनचैन अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता था और उसका कितना ख्याल रखता था। और जब भी शिनचैन की मॉम और डैड किसी काम से बाहर जाते तो शिनचैन और हिमावारी को घर पर ही छोड़ जाते। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। और एक ऐसा वक्त आया जब हिरोशी को अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद मिसाई अपने बच्चों के लिए खाना बनाने गई तो उसे याद आया कि वो एक जरूरी सामान लाना तो भूल गई थी, और इसी कारण अब उसे मार्केट से वो जरूरी सामान लाना था। तो वो बाकी दिनों की तरह बच्चों को घर पर ही छोड़कर बाहर जाने के लिए निकली, पर उस दिन बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसके कारण उसे घर पर बच्चों को छोड़ना गवारा नहीं था। और इसीलिए मसाई बच्चों को अपने साथ ही ले गई, पर उन्हें कहां ही पता था कि जिस अंधेरी रात से वो अपने बच्चों को बचाने का सोच रही थी, वही आज उनके बच्चों को हमेशा के लिए निगलने वाली थी। जब मिसाई अपने बच्चों के लिए मॉल में सामान लेने पहुंची तब वो शॉपिंग में बिजी थी। इतने में हिमावारी बाहर रोड की ओर चली गई, जिस पर मिसाई का ध्यान नहीं गया।
लेकिन शिनचैन की नजर हिमावारी पर पड़ते ही वो हिमावारी को बचाने के लिए रोड पर निकल पड़ा। लेकिन इतने में ही एक ट्रक बड़ी बेरहमी से उन दोनों को कुचलते हुए निकल गया और चारों तरफ की जगह खून से लथपथ हो चुकी थी। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और जब मसाई अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहां पहुंची तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जिन बच्चों को उसने अपनी पलकों पर सजा कर रखा, हर मुसीबत से बचा कर रखा, आज वही बच्चे बेजान खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे और वो हालात के हाथ से बेबस हुए कठपुतली की तरह खड़ी देखती रही। और अब आप जरा सोच कर देखिए कि जिस माँ बाप ने इतना दुलार से अपने बच्चों को पाला था, जब उसके सामने उसके मरने की खबर उनके पास पहुंची होगी तो उन पर क्या बीत रही होगी। जिस पिता ने अपने बेटे के बढ़ते कदमों के साथ हजारों सपने सजोए थे, उसी की मौत की खबर जब उनके कानों में पड़ी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई। और इस दुर्घटना के लिए हिरोशी ने मिसाई को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके कारण हिरोशी और मिसाई ने एक दूसरे से सालों तक बात नहीं की। लेकिन एक बच्चे को खोने का असली दर्द सिर्फ उस माँ का दिल ही जानता था, जिसके कारण हर बीतते दिन के साथ मिसाई की आंखों के सामने शिनचैन का झिलझिलाता हुआ चेहरा और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। और फिर वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे मिसाई स्केच बनाकर अपने बच्चों की याद में गुम हो गई थी, जिसको देखकर शायद भगवान को भी इस माँ के दिल पर रहम आ गया और इसके दुख को पूरी दुनिया को बताने के लिए पूरे 10 साल बाद योशितो ओसाई को मसाई के पास भेज दिया, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट थे और वो एनिमे को बनाते थे। जिसके बाद मिसाई की ये दर्द भरी कहानी को सुनकर योशितो ने ये फैसला किया कि वो क्रियोन शिनचैन कार्टून बनाएंगे, जिसे सबसे पहले जापानीज वीकली मैगजीन में फुताबी पब्लिशर द्वारा 1990 में पब्लिश किया गया। पर जो शिनचैन की कहानी इतनी दर्द भरी है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ भी था? तो शायद नहीं, क्योंकि शिनचैन की पब्लिशर कंपनी फतशुबाशा के एडिटर का यही कहना है कि शिनचैन की कॉमिक बनने से पहले उसके राइटर योशिजितो ओसाई ने दारा कोया स्टोर स्टोरी नाम के एक कॉमिक को लिखा था, जो रियलिटी में असली जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित थी। और इसी कॉमिक के लीड कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर उसके राइटर और कॉमिक्स के पब्लिशर ने शिनचैन को जन्म दिया, जिसके पीछे का कारण यही था कि दोनों शिनचैन की कॉमिक से दुनिया के लोगों को नॉर्मल जापानीज घर के रोजमर्रा की जिंदगी से रूबरू कराना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, या ये कहानी भी डोरेमोन वाले नोबिता की तरह ही है? लेकिन एक मिनट, क्या आपको नोबिता की मौत का सच नहीं पता? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा उसकी वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। और आपका शिनचैन की इस कहानी के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।